दिस इज तरुण फ्रॉम मास्टरमाइंड। हाय गाइस, दिस इज प्रदीप फ्रॉम द techlove.com। एंड आज हम अनबॉक्स कर रहे हैं ASUS का Zenfone 3 Max। और ये फोन एक बहुत ही अच्छा फोन है और हमने इसके रिव्यूज करने के लिए हम दोनों ने साथ सोचा कि हमें करने चाहिए और आज हम इसके अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं दोनों एक साथ, मास्टरमाइंड और द टेक क्लब। सो ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आप देखिए। और इससे पहले कि हम इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करें, लेट्स सी व्हाट ASUS हैज टू ऑफर। एज यू कैन ऑलरेडी सी Zenfone 3 Max व्हिच वी आर अनबॉक्सिंग। हम आपको इसका प्राइस भी बताते बॉक्स के ऊपर, बट सिंस दिस इज अ रिव्यू यूनिट तो इस पे प्राइसेस लिखे नहीं है। दीज आर द क्विक फीचर्स व्हिच एज यू कैन ऑलरेडी सी, ऑक्टा कोर, हाई रेजोल्यूशन, लॉन्ग लाइफ बैटरी, जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी। सो लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग। तो फर्स्ट इम्प्रेशन वैसे काफ़ी अट्रैक्टिव है फोन। ये मॉडल तीन कलर्स के अंदर आता है, सिल्वर, ग्रे एंड गोल्ड सैंडस्टोन। काफ़ी अट्रैक्टिव फ़ोन है, यूनिफाइड मेटालिक स्लीक बॉडी है इसकी, काफ़ी अच्छी ग्रिप है इससे हैंड के अंदर। ग्लास जो है इसका वो ओलियोपैथिक कोटिंग से लेस है, सो इस पर अगर आपकी फिंगर्स भी टच होती हैं तो उसके इम्प्रेशन बहुत ईजिली साफ हो जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास नहीं लगा हुआ है, जो कि इसकी थोड़ी सी कमी मैं बताऊंगा इस प्राइस रेंज में, क्योंकि काफ़ी फोन्स हैं इस प्राइस के अंडर जिसमें ये ग्लास है स्क्रैच प्रूफ वाला। तो हाय दोस्तों, अब है टेक लव का टाइम। तो मैं सबसे पहले, जैसे कि मैं कैमरा लवर हूँ और मैं इसके कैमरे, सबसे पहले मैं इसके कैमरे के बारे में आपको बताना चाहूँगा। हमें एक यहाँ वाला कैमरा, ये कैमरा है 16 मेगापिक्सल का एक शार्प कैमरा और यहाँ पर हमें मिलता है डुअल LED फ्लैश और सेंसर्स जो आपको डीप लाइट के अंदर भी और लो लाइट के अंदर भी आपको फ़ोटो खींचने का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा कर देता है। यहाँ पे हमें मिलता है एक फिंगरप्रिंट सेंसर जो बहुत ज़्यादा फास्ट है, हमें फ़ोन पे बस इस पर क्लिक करते ही में 0.3 सेकंड्स के अंदर ये हमारे फ़ोन को अनलॉक कर देता है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा राइट हैंड साइड पर हमें इसे मिल रहा है वॉल्यूम रॉकर और इसके नीचे है फ़ोन अनलॉक की। अगर हम इसके नीचे की तरफ आए तो यहाँ हमें मिल रहा है एक माइक और इधर मोबाइल पोर्ट चार्जर और यहाँ पर एक स्पीकर। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिलता है हाइब्रिड सिम ट्रे जिसके अंदर हम दो सिम एक बार में यूज़ कर सकते हैं या हम एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इस फ़ोन की मेमोरी के हम एक्सपेंडेबल 128 GB तक कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमें मिलता है लेट नोटिफिकेशन लाइट, जब भी आपका फ़ोन चार्ज हो रहा होता है या कोई मैसेज आता है व्हाट्सएप पर या आपके मैसेज आते हैं तो तब आपकी ये लाइट इंडिकेट करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू लाइट इंडिकेट कर रही है, तो ये एक बहुत अच्छा फ़ोन को नाइस लुक दे रहा है। हमें इसको ऊपर की तरफ हमें मिल रहा है 3.5 mm जैक और ये फ़ोन ड्यूल माइक के साथ है। इससे पहले कि हम फ़ोन को आगे और रिव्यू करें, लेट्स सी कि बॉक्स के अंदर और हमारे को क्या एक्साइटिंग चीज़ें मिलने वाली हैं। इसमें ये चार्जर मिलता है, हमें चार्जर USB केबल मिलती है, ये OTG केबल है जिससे आप अपनी पैन ड्राइव्स वगैरह या फिर रिवर्स चार्जिंग भी कर सकते हैं आप इससे। इसके अलावा सिम कार्ड का ओपनर मिलता है, ये है OTG केबल जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये फास्ट चार्जिंग है और फ़ोन की बैटरी जो काफ़ी प्रोमिनेंट है इसमें, तो उससे आप रिवर्स चार्जिंग भी कर सकते हैं, अपने दूसरे फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, अपनी पेन ड्राइव इससे अटैच कर सकते हैं डायरेक्टली। तो लेट्स गो बैक टू दी फोन वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा स्लिक और इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं। तो हम सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद मैं आपको इसका सबसे पहले एंड्रॉयड बताऊँगा। इसमें हमें एंड्रॉयड मिलता है 6.0.1 जो कि मार्शमेलो है, ये एक बहुत अच्छा ही इसके अंदर एंड्रॉयड वर्जन है गूगल का। हमें जैसे यहाँ फ़ोन में सारे सेटिंग्स में हम आ गए, यहाँ पे वायरलेस वगैरह, ब्लूटूथ है और स्पीकर है। बाकी हम इसका ऊपर से शटर नीचे गिराते हैं तो यहाँ बहुत सारे फंक्शन आपको मिलते हैं, फ्लैश लाइट, पावर बूस्ट। यहाँ पे आप फ्लैश, ये पावर एंड बूस्ट का बटन है, हम इसे क्लिक करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ही लगता है। इसमें आपकी जितने भी बैकग्राउंड में ऐप्स चल रहे होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और यहाँ पर भी आपको एक बूस्ट का बटन दिया गया है। अगर मैं इसे क्लिक करूँगा तो बैकग्राउंड में चल रहे सारे एप्लीकेशन एक बटन के ऊपर ही ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्मूथ फ़ोन है और बहुत ज़्यादा स्लिक है और जो डिज़ाइन है और ये 2.5 mm का ग्लास
जो इसकी स्क्रीन पर है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैसिव लुक देता है इस फ़ोन को। और अगर हम इसकी बात करें कैमरे की, तो इसका फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। अगर हम इसके रियर कैमरे की बात करें, तो अभी हम कुतुब मीनार के पास हैं, और अगर हम कुतुब मीनार के ऊपर तक जाना चाहें इस कैमरे के थ्रू, तो हम वो भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इसकी कुतुब मीनार को भी बिल्कुल साफ क्लियर एक शूट कर रहे हैं हम अभी। और लेट्स टॉक अबाउट द हार्डवेयर नाउ। ASUS का Zenfone 3 Max आता है एक Snapdragon 430 चिपसेट के साथ, जो कि 1.4 GHz ऑक्टा प्रोसेसर के साथ चलता है, जो कि काफ़ी फास्ट है इस सेगमेंट के हिसाब से और इतने स्लिम फ़ोन के हिसाब से। इसके अंदर 4100 mAh की बैटरी है, जैसे कि मैंने बताया आपको। रिवर्स चार्जिंग आप इससे कर सकते हैं, क्योंकि पावरफुल बैटरी भी है इसके अंदर। उसके अलावा हम देखते हैं इसके अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह, आपने देखा कितनी फास्ट एकदम फिंगरप्रिंट इन्होंने सेंस किया है। ये फर्स्ट स्क्रीन है, डिस्प्ले स्क्रीन ASUS की। इसमें आता है 3-4 फीचर्स इसमें प्री इंस्टॉल्ड हैं, जैसे आप पावर को बूस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। काफ़ी दिक्कतें होती हैं सर्विस सेंटर्स वगैरह ढूंढने में अगर आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है, तो हमारे को लगता नहीं ये 1-2 साल तक आपका फ़ोन कहीं जाने वाला है। बट फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, आपका फ़ोन गिर जाता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप इसमें सर्विस सेंटर ईज़िली ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा ये एक प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं, और इसमें FM भी है, आप जैसे कि देख सकते हैं। लेज़र रूलर है इसके अंदर, जिससे आप चीज़ों को नाप सकते हैं। प्री इंस्टॉल्ड गेम्स हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास इस टाइम इसका स्पेस ग्रे कलर भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लुक है और बहुत ही अच्छा फ़ोन लग रहा है। हमारे इसका एक कलर और है जो है गोल्ड, वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और बाकी फ़ोन के दोनों ही कलर बहुत ही ज़्यादा औसम है। अब वीडियो के एंड में हम बताना चाहेंगे कि क्या आपको ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये फ़ोन 15,000 की कैटेगरी में आता है, और इसी में और भी फ़ोन अवेलेबल हैं, जैसे सैमसंग का G7। हाई फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रदीप खत्री फ्रॉम द techlove.com। चेक आउट माई वेबसाइट द techlove.com फॉर गैजेट न्यूज़, टेक न्यूज़ एंड फ़ोन रिव्यूज़। थैंक यू।